हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एक्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं F-22 रैप्टर के बारे में। F-22 रैप्टर एक अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करने वाला सिंगल सीट डबल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे डेवलप किया गया था USAF के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए, और ये रिजल्ट था यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के एडवांस टैक्टिकल फाइटर जेट्स प्रोग्राम का। और इसे बनाया गया है एयर सुपेरियरिटी मेंटेन करने के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए और टैक्टिकल मिशंस के लिए, और साथ ही साथ सिग्नल जैमिंग और सिग्नल इंटरफेस के लिए। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हैं मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो है लॉकहीड मार्टिन और बोइंग डिफेंस। और इसके जो प्रोडक्शन शुरू हुई थी वो हुई थी 1996 से 2011 तक। और ये जब ये बना था तो ये इतना एडवांस था, US कांग्रेस ने सिक्योरिटी के चलते इस पर बैन लगा दिया था, और अब तक सिर्फ 195 ही प्रोड्यूस हो पाए, जिनमें से 8 अभी टेस्ट हो रहे हैं और बाकी के बचे हुए 187 F-22 रैप्टर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं अभी। और ये अब तक का धरती का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जबकि इसे बने हुए इतने साल हो चुके हैं। 1991 में जो है पहला आया था, मतलब शुरुआत हुई थी इसकी, और अब तक ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। और इसमें जो टोटल कॉस्ट आई वो $67.3 बिलियन की अब तक कॉस्ट आई है। और इसे जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो दो कंपनियों को दिया गया था, लॉकहीड मार्टिन को और बोइंग को, जिसमें से लॉकहीड मार्टिन जो है ये कंपटीशन जीत गई थी। और उसका जो प्रोडक्ट था, जो उसका वेरिएंट था, प्रोटोटाइप, वो था YF-22। और YF-22 ने बीट कर दिया था बोइंग के प्रोटोटाइप को, इसीलिए इसका जो नाम है F-22 रैप्टर है, चूँकि YF-22 जीत चुका था। और जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1981 में हुई थी, USAF को जब ज़रूरत पड़ी थी एडवांस फाइटर जेट्स की, चूँकि उन्हें रिप्लेस करना था F-15 और F-16, चूँकि वो रशिया के जो मिक्स फ़ाइटर्स थे उनसे हार रहे थे, इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ी कि उन्हें एक ऐसा फ़ाइटर जेट चाहिए जो कि मुकाबला कर सके उनका। और पिट रहे थे वियतनाम वॉर में, बुरी तरह हार गए थे अमेरिकन्स, और इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई ताकि रिप्लेस किया जा सके इन फाइटर जेट्स को, नई की शुरुआत की जा सके। उसका जो इंजन है वो प्रैट और विटनी द्वारा। थैंक यू दोस्तों।